हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियोस। और चलिए शुरू करते हैं आज का करते हैं। तो भूकंप यानी भूमि का कंपन करना क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ लैंड्स जो लैंड्स है इन जो धरातल है उसके अंदर कंपन होता है, उस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप है ना। इसके कई भी कारण, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मानवीय कारण भी हो सकते हैं और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। भूकंप के प्रकार कितने हैं वो भी देखेंगे और भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ तक फैलता है और जो भूकंप में तरंगे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका क्या रोल रहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर लव वेव्स क्या होती हैं, है ना? आपने नाम सुना हो कभी लव वेव? जिसने इससे पहले लव वेव्स के बारे में सुना हो वो हमें कमेंट करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो भूकंप का कारण क्या है, सबसे बड़ा आने का क्या कारण है, ठीक है? तो इसमें एक अंतर्जात वह बहिर्जात, ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न ऊर्जा से धरातलीय या आंतरिक कंपन होता है। कंपन होता है ना। तो अंतर्जात जो बहिर्जात बल है, आपके हमने पढ़ा था ना कि जो इनर जो आउटर कोर है, अपने आउटर कोर बाहरी कोर है, बाहरी कोर के अंदर लिक्विड फॉर्म में द्रव पदार्थ पाया जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात बल उसकी वजह से क्या है कि जो गैसों का बनना या फिर अंतर्जात में जो वो भी आगे पढ़ेंगे हम, तो उनकी वजह से ये होता है। तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण पूरी ऊर्जा से धरातल या आंतरिक कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये कारण है ना। अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण जो कंपन होता है, ये इसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका रहता है इसका। और ये भूकंप क्या है, सभी दिशाओं में फैलता है, क्या है दूसरा, क्या है सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में फैलता है। भूकंप क्या है, सभी दिशाओं में ये भूकंप फैलता है। इतना तक समझे, रीजन ये है ना। लेकिन कारण तो और भी हो सकते हैं, अंतर तक बही जाता है ऊर्जा और धारा तक, है ना। अब वो ऊर्जा किससे भी उत्पन्न हो सकती है, चाहे आंतरिक हलचल हो उससे भी हो सकता है, चाहे मानवीय परमाणु बम का जो विस्फोट है उसका या परीक्षण से भी हो सकता है, या फिर किसी के घर से गिरने से, किसी के हवाई जहाज गिरने से, कोई उल्का पिंड गिरने से, देयर आर लॉट ऑफ सोर्स टू, ठीक है, जनरेट द वाइब्रेशन। तो इसके बहुत सारे कारण जो कि हम भूकंप को जन्म देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर ज्यादा विस्फोट है तो या तो मानवीय में परमाणु विस्फोट है और या फिर क्या हो सकता है, अंतर्जात विज्ञान में जो बलों में जो आंतरिक अंचल के जो बड़ा विस्फोट होता है, ये सबसे बड़े दो कारण जो प्राकृतिक और मानवीय के परमाणु विस्फोट सबसे बड़ा हो सकता है। जब मानवीय परमाणु है तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा और दूसरा जो प्राकृतिक कारण है उसकी वजह से भी क्या है, भूकंप का अपने स्तर पर होना। बाकी आप इन्हें देख सकते हो भूकंप कैसे आता है, उससे कितने नुकसान होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेसिक फंडा, बहुत अच्छा समझेंगे। क्लास बड़ी होगी, क्लास बड़ी से मत घबराओ, इतना चीज अच्छे से समझेंगे कि वापस कभी अपने शॉर्ट नोट बनाओ। इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लिया था, नहीं लिया तो आप पीछे जाके जहाँ आपको सही सुटेबल दिखे पूरी इसके वहाँ आप ले लो। अब देख, अब जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, ये जमीन है, ऐसे अर्थ, ऐसे हम अर्थ के ऊपर रहते नहीं रहते, ये अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर हम रह रहे, मतलब घर भी छोटा बड़ा सुना है ठीक। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है हलचल की वजह से, मान लो आप ही जैसे अपने जैसे ऐसे करोगे तो अपने हाथ में कंपन होगा, नहीं होगा, तो जहां भी चीजें दो टकराएगी या दोनों में कुछ रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उसकी वजह से कुछ भी चीज होगी तो उससे क्या है, वो कंपन वाइब्रेशन होगा ना। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो अपने हाथों में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो वाइब्रेशन क्या है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं फोकस और हिंदी में कहते हैं भूकंप मोड। क्या कहते हैं, भूकंप मोड कहते हैं दोस्तों, भूकंप मोड या फिर
ठीक है। और अब जैसे यहाँ जैसे होता भी है यहाँ से ऐसे ऐसे चार दिशा फैलेगा, ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो धरातल के जिस स्तर पे ये सबसे पहले महसूस होगा, धरातल के जिस स्थान पे महसूस होगा, धरातल के जिस स्थान पे सबसे पहले जो भूकंप महसूस होगा, जैसे मान लो धरातल पे यहाँ महसूस हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिकंप। और ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पे, है ना, इन दोनों का जो 90 डिग्री पे होगा तो ये सेम, तो इसे क्या कहेंगे अपन दोस्तों, अधिकेंद्र, क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकेंद्र, क्या कहेंगे, समझ में आ गया। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भूकंप का मूल या उद्गम कहते हैं, और जहां पे सबसे पहले धरातल में महसूस होता है उसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र, क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकेंद्र कहेंगे। कोई भूकंप उत्पन्न होता है जहां से तरंगे उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं भूकंप का मूल या उद्गम कहते हैं, और जहां पे धरातल में सबसे पहले तरंगे महसूस होते हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र। समझ में आया। अब देखिए कि एक वर्ड आपने सुना होगा जिसका नाम है समताप, यानी ऐसी जगह जो समान तापमान वाले स्थानों को इंडिकेट करे, तो इसमें भी एक है समभूकंपी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो अलग अलग स्थान पे, ठीक है, जैसे इंडिया है तो मान लो राजस्थान में भूकंप आया, दिल्ली में आया, या पटना में आया, उड़ीसा में आया, चेन्नई में आया, तो मान लो यहाँ से जैसे इसमें और फिर यहाँ और फिर यहाँ, और जैसे मान लो ये एक ऐसी रेखा है जो क्या है, समान ऐसा माना जाता है कि सिस्मों ग्राफ के माध्यम से अध्ययन किया, उसमें क्या है कि समान जो एक जगह पूरे भारत में समान जगह पर या पूरे विश्व में समान जगह एक जैसा भूकंप आएगा उसको उसको मापने वाले देखो क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, भूकंप की वजह से क्या है वायुमंडल में, किसका ये याद रखना बहुत ही कम लोगों को पता होता है, भूकंप की वजह से वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती है, किसकी, रेडॉन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, किसकी होती है दोस्तों, रेडॉन गैस के कारण। तो वायुमंडल में भूकंप की वजह से रेडॉन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और कोई डाउट, भूकंप को पढ़ना है, जैसे भूकंप को पढ़ने के लिए भूकंप का जो अध्ययन है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं जैसे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और सिस्मोलॉजी, क्या कहते हैं इसको, सिस्मोलॉजी, क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्मोलॉजी, ठीक है। और जिससे इसका भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को जो मापते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ, क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक। और इसके लिए जो स्केल यूज की जाती है, क्या दोस्तों, स्केल, उसके लिए एक हमें इसके लिए आपको पता है, पहले तो आप मुझे बताओ स्केल कौन कौन सी यूज होती है, एक का तो आपको बहुत बेसिक, जैसे स्केल एक तो जैसे रिक्टर स्केल है, क्या है, रिक्टर स्केल, क्या दोस्तों, रिक्टर स्केल। दूसरे के अलावा आप मुझे कमेंट बताओगे, अरे पहले कमेंट बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक तो स्केल है जो सबसे ज्यादा, इसमें क्या है, ऊर्जा को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, ऊर्जा को, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो रिक्टर स्केल में क्या है, भूकंप की ऊर्जा मापी जाती है। अब मैं रिक्टर स्केल के बारे में थोड़ी यहाँ बता रहा, रिक्टर स्केल, ठीक है, पहले इसको निपटा लेते ताकि फिर अपना रिक्टर स्केल, ठीक है, इसके स्केल के ऊपर जो अंक है वो कितने हैं, 0 से 10 अंक, कितने, अगर एक अंक की बढ़ोतरी पर क्या होता है, देखो अगर एक अंक की बढ़ोतरी पर क्या होता है, अरे भूल ऊर्जा, अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा में तो 32 गुना क्या है, 32 गुना वृद्धि होगी, क्या होगी, और तीव्रता है, भूकंप की जो तीव्रता है, तीव्रता कितनी होगी, वो होगी आपके 10 गुना, एक अक्षर बढ़ने पर कितनी भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगी। और इसमें किसको मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, किसको मापा जाता है दोस्तों, ऊर्जा को। और इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स रिक्टर ने, किसने, चार्ल्स रिक्टर, किसने की दोस्तों, चार्ल्स रिक्टर ने इस स्केल की खोज की थी। अब रिक्टर स्केल के बारे में कभी आंसर आया तो बस इतना आपको याद होना चाहिए, इसकी जो इसका जो अध्ययन है वो गणित की एक इकाई है, लॉग, लॉग के आधार पर किया जाता है, क्या लॉग के आधार पर, लॉग के आधार पर इसको समझा जाता है,
समझा जाता है। किस कहलाते हैं दोस्तों, लॉग के आधार पे इसको ये देख लो रिक्टर स्केल वाले, इतना साइड में लिख लो बस। कभी कभी अगर इससे रिक्टर स्केल सवाल है तो इससे बाहर कभी सवाल जाएगा। चार सेक्टर में इसकी खोज की थी, लॉग के आधार पर इसे समझा जाता है। रिक्टर स्केल की ऊर्जा, ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा का मापन, ऊर्जा का मापन, ठीक है। तो ये तो होगी पहली मापन, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ मापन। दूसरा है स्केल, दूसरी जो है वो क्या है, मर्कली। मर्कली स्केल क्या है, इसमें क्या है विनाश, भूकंप से होने वाले विनाश के बारे में, क्या है विनाश। रिक्टर स्केल का ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो मर्कली स्केल है वो क्या है, नुकसान या आघात को अध्ययन के लिए यूज है, और अंक इसमें 1 से 12 अंक मतलब अंकित होते हैं, और इसको ज्यादा महत्व क्योंकि आघात होने के, भूकंप होने के बाद जो नुकसान है उसको अध्ययन करने का क्या फायदा है, उसका तो हम ऐसे ही महसूस कर सकते हैं कि सॉरी कितना ज्ञान मान के अध्ययन में। लेकिन रिक्टर स्केल जो ऊर्जा का मापन करती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें कोई डाउट होता है यू हैव टू कमेंट अस, आप हमें कमेंट कीजिए और उसका आंसर हम अच्छे से देंगे। अब ये तो हो गया पूरा इसका, ठीक है। अब चलिए आगे चल रहे हैं, अब करेंगे भूकंप में तरंगों के बारे। जैसे ये तो हम वैसे जो अपनी प्रीवियस क्लास उसके अंदर पढ़ा था, लेकिन इसमें और पढ़ते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि एक भूकंप में और वॉल्केनो सब में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होगा उनमें इनका रोल रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भूकंप में तरंगें दो प्रकार की होती है, कभी भी आए तो अगर आपका रिटर्न में आया फिर ऑब्जेक्ट में आया, दो प्रकार की होती है, भूगर्भीय और धरातलीय। भूगर्भ में फिर होती है पी और एस वेव्स, और धरातलीय में होती है एल वेव्स, जिसे लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी वेव्स क्या है। सबसे ये जो देखो जहाँ उद्गम पे जहाँ पे ये भूकंप या वाइब्रेशन क्रिएशन होगा उस स्थान पे क्या सबसे पहले इस ये वाली आएगी ध्वनि, ठीक है। वेस्ट विस्तार इनका चारों दिशा में होता है, इक्वली इसका चारों दिशा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तरंग एक इस प्रकार है जो अनुदित तरंगें होती है उसी प्रकार ध्वनि तरंग होती है उसी प्रकार, ठीक है। गमन तीनों अवस्था में करता है, लेकिन ठोस गैस और द्रव, जैसे जैसे ये ठोस से गैस से द्रव में जाएगा वहां इसका क्या है तीव्रता कम होगी, क्योंकि डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगी वहां क्या है इसकी तीव्रता कम रहेगी थोड़ी, ठीक है दोस्तों। फिर प्रकाश के समान तरंगे, फिर अपन आते हैं एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स है उस पर। ये प्रकाश के समान तरंग होते हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। गति पी से कम एल से ज्यादा होती है ऑब्वियसली, ठीक है। और गमन ठोस माध्यम में, किसमें करते हैं केवल ठोस माध्यम में गमन करता है, और इसी के लिए क्या है कि जहाँ अगर हम जैसे ही शैडो जोन देखेंगे उसका आंतरिक जो वेव्स का उसके अंदर देखेंगे एक ऐसा जगह जहाँ पे पी वेव विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है पी केवल कहाँ गमन करती है ठोस माध्यम में, तो हमें पता है कि जो बाहरी कोर है वहाँ पे क्या द्रव ज्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपका ये जो है वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर लव वेव, इसको लव वेव एडवर्ड हफ लव ने इसका सबसे पहले इसका नामकरण किया था। इसकी गति पी और एस से कम है, क्या है गति क्या है पी और एस से कम है, लेकिन तीव्रता सबसे ज्यादा है इसकी, ठीक है। और सबसे ज्यादा विनाश करे, सबसे ज्यादा विनाश किससे होता है, इस धरातलीय वेव से सबसे ज्यादा विनाश होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलिए अगले टॉपिक में।